दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको जियो फ़ोन पर देखते हैं वाईफाई हॉटस्पॉट काम करता है या नहीं। और हमारे चैनल पे नए आई है तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए इस टाइप से वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्लिक कर देना है यहाँ के ऊपर बटन के ऊपर, फिर मैंने जो मेरे दोस्त ने जो व्हाट्सएप पर भेजा है उसको कर लेते हैं हम दोस्तों ओपन। दोस्तों मेरे दोस्त ने यहाँ भेजा है दोस्तों, दिखाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कर लेते हैं इसको ओपन। और जो लिंक है वो मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं दिखाऊंगा आपसे लोग को। कर देते हैं उसके ऊपर क्लिक। ठीक है दोस्तों, जैसे हम कर देंगे क्लिक दोस्तों, आपको मैं फुल डिटेल के साथ एक बार दिखा रहा हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक देखो। अगर नहीं वर्क किया तो मैं आप करना दोस्तों, क्योंकि कभी कभी जो है वर्क नहीं करता। अगर आप 1000 बार कोशिश करेंगे तो आपका जो है कभी ना कभी तो वर्क कर जाएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा तो पहली बार तो वर्क कर रहा था, तो दूसरी बार वर्क कर या नहीं पता नहीं दोस्तों। कर दीजिए सब्सक्राइब, चैनल के ऊपर क्लिक, फिर बैक आइए दोस्तों। तो यहाँ आपको वैसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो कर दीजिए गेट लिंक और तो रुके कर लेता हूँ वाईफाई कनेक्ट। कर दीजिए सेटिंग को ओपन और वाईफाई कर लेते कनेक्ट दोस्तों। ये वाईफाई कनेक्ट कर लिए, कोई असली सेटिंग नहीं है जो आपको दे देगा। अच्छा चलिए दोस्तों सेटिंग को कनेक्ट ही नहीं दीजिए दोस्तों। सर जैसे आपको कर लेना है कनेक्ट, और कोई भी इंटरनेट भी सर चल जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये भी चल जा सकता है दोस्तों। तो देख सकते हैं बाला टेक अपडेट से दोस्तों, से यहाँ से आप एनेबल कर सकते हैं। नहीं पता नहीं, पहली बार तो वर्क कर रहा था, पहली बार का मौका मैंने क्यों थोड़ा, क्योंकि मैंने जो है आपको दिखाने के लिए पूरा एनेबल अभी भी नहीं किया है दोस्तों। तो आपका जो है अगर कोई नोकिया का जियो फ़ोन हो तो भी बार बार वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, जब जाए वर्क कर जाएगा दोस्तों, अगर आपका नोकिया का कोई फ़ोन है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं कि अब स्मूथली मेरा इसको आने दीजिए, तो मेरा स्कूल का है दोस्तों, कोई फालतू चीज़ नहीं है। तो जैसे कर लेंगे तो लोडिंग हो रहा है दोस्तों, तो देखते हैं कितनी देर का लोडिंग लेता है। तो मेरा दोस्तों ओपन हो चुका है, क्या हो रहा है पता नहीं। हाँ ये दोस्तों हमारे ऑप्शंस आपको देखने को लगे हैं दोस्तों, ये देखिए आप देख सकते हैं। इंटरनल सर्कल ऑप्शन पर कर देते हैं क्लिक और देखते हैं वर्किंग है या नहीं दोस्तों। वर्किंग नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको ओमनीएसडी इंस्टॉल करना होता है। तो दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक करूँगा, बाकी सब तो आप ओपन कर ही सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं एट्सेट्रा ओपन कर सकते हैं, जैसे कि इससे आप ओपन कर सकते हैं। तो इसके बाद टेक पिक्चर्स ओपन कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज में क्या है दोस्तों, ये वर्किंग नहीं है। डेल नंबर भी वर्किंग नहीं, तो सेंड एसएमएस नहीं, ऐड कॉन्टैक्ट वगैरह वगैरह नहीं वर्क करता। अगर आपको चाहिए दूसरा सेटिंग तो वो भी आप ले सकते हो, मैं दूसरे वीडियो पर उसको दूंगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में सुना, फिर से मिलेंगे नए वीडियो पर दोस्तों। एक और मैं आपको देता हूँ दोस्तों और भी मैं एक दूंगा दोस्तों आपसे लोग को। तो चलिए मैं आपको व्हाट्सएप को कर लेता हूँ ओपन। यह कोई F320 भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसको लगा रखा है बेकार में। कि दोस्तों आज की वीडियो में इतना, फिर से मिलेंगे नए वीडियो।